आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको ग्राम संगठन की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो की इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पहले से पहले मिलती रहे। तो पदाधिकारियों का चयन, यानी कि ग्राम संगठन के जो 5 पदाधिकारी चुने जाते हैं, ऑफिस बेरर, ओबी, उनके कामों के बारे में यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ग्राम संगठन में कार्यालय संचालक के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष कार्य करेंगे, जिनका चुनाव निदेशक मंडल की पहली बैठक में आम सहमति के आधार पर कर लिया जाएगा। निदेशक मंडल की बैठक में ही पदाधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारण कर लिया जाएगा। तो पहली बार जब ग्राम संगठन बनेगा तो वहाँ पे जो भी टीम आएगी वो पदाधिकारियों का चयन करने के बाद उनके कामों को समझा देंगी। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो होते हैं, इनके कार्य और उत्तरदायित्व क्या होते हैं। मेन तो अध्यक्ष होता है, यदि अध्यक्ष किसी काम से कहीं बाहर चली जाती हैं तो उनकी जगह पर उपाध्यक्ष मीटिंग वगैरह कराती हैं, वो सारा काम देखती हैं। तो अध्यक्ष के क्या काम होते हैं देख लेते हैं। नंबर एक, अध्यक्ष निदेशक मंडल और आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ सदस्य उक्त विशेष बैठक के लिए चुना जा सकता है, यानी कि अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष सारे काम देखेंगे उनके, और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में कोई भी जो वरिष्ठ सदस्य होगा, जो बड़ा होगा, और वो बैठक को करेगा, उसके लिए चुना जाएगा। नंबर दो, अध्यक्ष दूसरी संस्थाओं और मंच पर ग्राम संगठन का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि अध्यक्ष दीदी जो है वो क्लस्टर में जाएंगी, और भी ब्लॉक में जाना या कहीं भी सभा होती है, कोई होता है काम, तो वहाँ पे आयोजन वगैरह में वो जाएंगी और अपने समूह और ग्राम संगठन की अध्यक्षता करेंगी। मंच पर वही जा कर के भाषण देंगी और बोलेंगी। नंबर तीन है, चुनाव के मामले को छोड़कर निदेशक मंडल द्वारा निर्णय किए जाने वाले किसी अन्य मामले में बराबर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना, यानी कि चुनाव, जैसे कि जब पदाधिकारियों का चयन होता है, चुनाव वगैरह होता है, तो उसको छोड़ करके बाकी कोई भी निर्णय लेना हो और यदि दीदियों की सहमति बराबर बराबर मत हो तो फिर अध्यक्ष दीदी जो फैसला करेगी, जो निर्णय लेगी, वही सबको मानना पड़ेगा। फिर अगला है, अध्यक्ष वैधानिक दस्तावेजों पर एक हस्ताक्षरकर्ता होगा। निर्धारित नीतियों के निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा। अध्यक्ष ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन भी करेगा। तो ये कुल मिला के अध्यक्ष दीदी के काम होते हैं, और यदि अध्यक्ष दीदी नहीं होगी तो यही सारे काम उपाध्यक्ष दीदी को करने होंगे। तो उपाध्यक्ष दीदी का केवल इतना काम होता है कि जब अध्यक्ष दीदी ना हो तब उनकी जगह पर काम करना, अन्यथा अध्यक्ष दीदी के पास में बैठना, उनके कामों में उनकी सहायता करना, केवल इतना ही उपाध्यक्ष का काम होता है, और मेन काम अध्यक्ष दीदी का होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है और बता दिया है। तो जो ग्राम संगठन के जो अधिकारी होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो 5 दीदियाँ जो चुनी जाती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपने ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले सभी समूहों की देखरेख करती हैं, सभी समितियों की बैठक करती हैं, समूहों की बैठक करती हैं, काफ़ी कुछ जिम्मेदारी भरा ये पद होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हैं ग्राम संगठन के सचिव और उपसचिव दीदी की। तो जैसा कि अध्यक्ष की जगह पे उपाध्यक्ष काम करती हैं अध्यक्ष के ना होने पर, वैसे ही सचिव दीदी जब नहीं होगी तब उपसचिव दीदी उनकी जगह पे काम करेगी, वरना सचिव दीदी को केवल वो हेल्प करेंगी, उपसचिव दीदी बस। मेन काम सचिव दीदी का रहेगा। तो उनका क्या काम है, ग्राम संगठन की बैठकों में भाग लेना और ग्राम संगठन के कागजातों और संपत्तियों का रखरखाव रखना, ग्राम संगठन की ओर से पत्रों पर दस्तखत करना, निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए तमाम कार्यों को पूरा करना, ग्राम संगठन के खाता संचालन में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करना, ये ग्राम संगठन की सचिव दीदी के काम होते हैं।
सचिव दीदी के काम भी लिखा पढ़ी का काम देखना है, बैंक के खाते का संचालन करना है, हर एक चीज़ का उनको जो है सब कुछ जानकारी रखना होता है। और जब कभी सचिव दीदी ना हो, कहीं चली जाए, तो उनकी जगह पे उप सचिव दीदी जो है सारे काम करेंगी। बाकी दिनों में उप सचिव दीदी जो है वो सचिव दीदी का हेल्प करेंगी। तो सचिव दीदी का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इनको भी जो है ग्राम संगठन की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी पड़ती है, तभी एक अच्छा ग्राम संगठन चल पाता है। इसके अतिरिक्त बात कर ले तो कोषाध्यक्ष दीदी की, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कोषाध्यक्ष दीदी हैं उनके क्या काम होते हैं। तो कोषाध्यक्ष दीदी जो ग्राम संगठन की है वो तमाम बैठकों में हिसाब किताब पेश करना होगा, ग्राम संगठन से संबंधित निधि का लेखा जोखा रखना होगा। निधि का मतलब पैसे का लेखा जोखा, कितनी बचत जमा हुई है, कितना ब्याज जमा हुआ है, कितना बैंक में जमा है, कितना आपके पास सुरक्षित है, कितनी खरीदारी हुई है, पूरा टोटल सारे पैसे का हिसाब किताब कोषाध्यक्ष दीदी को रखना होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष दीदी की होती है क्योंकि इनको पैसे पे काम देखना होता है। और सामुदायिक निवेश निधि वापसी की जांच और संग्रह करना, वित्तीय मामलों में ऋण वापसी, सामाजिक ऑडिट एवं ऋण वसूली समितियों को सूचना एवं सहायता प्रदान करना, ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन करना, निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को संचालित करना। तो कोषाध्यक्ष दीदी का बहुत जिम्मेदारी भरा काम है क्योंकि पैसे का हेर फेर जरा भी हो गया तो उनसे ही सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि पैसे का रख रखाव करना, लिखा पढ़ी करना सब कोषाध्यक्ष दीदी का काम होता है। तो कोषाध्यक्ष दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने पद का निर्वाह करना होता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सचिव, ये पांच दीदियाँ जो हैं ऑफिस बैरर बनती हैं और ऑफिस में बैठती हैं, अधिकारी बनती हैं ग्राम संगठन की। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ग्राम संगठन में योजना का महत्व, इस पर भी कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यह वैकल्पिक कार्य विश्लेषण का मौका प्रदान करता है, यह अनिश्चितता को कम करता है, योजना प्रारंभिक प्रबंधनात्मक क्रिया है जिस पर सभी प्रबंधनात्मक कार्य निर्भर करते हैं, और यह मनमाने ढंग से निर्णय लेने में कमी लाता है, इसके संसाधनों में निर्धारण में मदद मिलती है, योजना के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, योजना ग्राम संगठन की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है, जब ग्राम संगठन बन जाता है तो हमारे गाँव में बहुत सारा विकास का काम होने लगता है। तो आप सभी लोग ग्राम संगठन की जो भी दीदियाँ चुनी गई हैं अच्छे से काम कीजिए। और ग्राम संगठन की मीटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और डिटेल में उसमें समझाया है कि ग्राम संगठन की मीटिंग आपको कैसे करनी। ऊपर आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए और ग्राम संगठन की दीदियां अच्छे से मीटिंग कर पाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।